बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के लिए आई बड़ी खबर। कांग्रेस एवं वंचित बहुजन आघाड़ी छोड़ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए बड़े नेता। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल होते हुए दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी में कांग्रेस एवं प्रकाश अंबेडकर इनकी वंचित बहुजन आघाड़ी के कई नेता शामिल हुए हैं, जिनमें कांग्रेस के बड़े नेता एवं संत चनैया मादिगा सेवा संघ के माजी अध्यक्ष धारावी के काका शिवानंद और वंचित बहुजन आघाड़ी के वरिष्ठ नेता संतोष एवले, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली है। महाराष्ट्र बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने इन नेताओं को पार्टी में प्रवेश दिलाया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके नेतृत्व को देखकर कांग्रेस एवं वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश लिया है। काका शिवानंद एवं संतोष एवले, इनका अपने क्षेत्र की जनता में अच्छी पकड़ एवं जनसंपर्क है, ऐसा बताया जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।